अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक तो आप वीडियो के टाइटल से समझ गए होंगे, तो मैंने सोचा कि ये भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। काफ़ी लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, पता नहीं होता कि ये काम कैसे होना है कैसे नहीं होना। तो आज की वीडियो जो है वो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पहले बताऊँगा कैसे बनता है, फिर बताऊँगा कि मोफा से अटेस्ट कैसे होता है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं डिटेल में। सबसे पहले आपने अपना करीबी कोई भी पुलिस सहूलत मरकज सेंटर अपना गूगल कर लेना, जहाँ पर भी आप रहते हैं पाकिस्तान में। अपने नियरेस्ट पुलिस सहूलत मरकज सेंटर चले जाना है आपने। वहाँ पे आपने अपना एक आईडी कार्ड की कॉपी, एक पासपोर्ट की कॉपी और एक पिक्चर, ये तीन पिक्चर ले जाएँ, चाहिए एक होती है, एक पिक्चर लेके चले जाएँ वहाँ पे। वहाँ सहूलत मरकज सेंटर में आपने बताया कि मुझे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे बाहर जाना है स्टडी पर्पस के लिए। वो पूछेंगे स्टडी के लिए चाहिए क्यों, तो आपने बताना है कि जी मुझे चाहिए बाहर जाने के लिए। वो पूछेंगे बाहर किस पर्पस के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आप बताएंगे जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं या स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आपने बताना है कि जी मैं स्टडी के लिए जाना चाह रहा हूँ। वो आपसे आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे और एक आपको वो फॉर्म देंगे जिसको आपने फिलअप करना है प्रॉपर ध्यान से, जिसमें आपका आईडी कार्ड, आपकी आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपके वालिद का नाम, फिर आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस, और एक सवाल होता है कि आप वहाँ पे कब से रह रहे हैं, तो वो उधर लिख दीजिएगा बाय बर्थ। आप उन्हें वो दे देंगे और इसकी टोटल फीस है 350, आप 350 रुपये उन्हें देंगे। वो आपकी सारी एंट्रियाँ करेंगे, आपका बायो लेंगे, आपकी पिक्चर लेंगे, और आपको आपको एक TCS का फॉर्म लिफाफा दे देंगे, क्योंकि इसके ऊपर आप एड्रेस लिख दें, ये आपके घर के एड्रेस पर आ जाएगा। आप अपना बायो, अपना पिक्चर खिंचवा के सारा कुछ करके आप TCS दे देंगे, 350 दे देंगे, तो वो आपका कहेंगे जी अब आप फ्री हैं, आपको 2 दिन या 3 दिन में आपके घर आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो स्लिप के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, आप उस पर कॉल कर लीजिएगा। तो मेरा तो मैंने फ्राइडे को दिया था, सैटरडे को दिया था, मेरा मंडे को मेरे घर में आ गया था। जब आपका ये आ जाए आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिर आपने अपना करना है उसको मोफा से टेस्ट करवाना है। और मोफा से टेस्ट करवाने का तरीका ये होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और कोयटा में है, इन तीन सिटी में है। तो आपने इनके ऑफिस चले जाना है, दो तरीके कार हैं, पहले मैं बताता हूँ। आपने इनके ऑफिस चले जाना है, अपना मोफा का जो सर्टिफिकेट है वो लेकर उसकी आपने कॉपी भी करवानी है, वो कॉपी अपने आईडी कार्ड की कॉपी और एक टिकट, टिकट आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑफिस से मिल जाएगी, 2500 रुपये की होगी। वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो आपने फिल करना है, तकरीबन 40 से 50 रुपये का काम है। आप जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का ऑफिस है वो लाहौर के अंदर सुबह 8 बजे खुल जाता है, उसकी लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अब वो 8 बजे आपका काम है, तकरीबन सोने 8 बजे पहुँच जाना, अगर आप टाइम से फ्री होना चाहते हैं। आप 8 बजे पहुँचेंगे पहले तो आप अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद फिर एक डाक ऑफिस होगा उसके अंदर ही, वहाँ पे आपकी लाइन लगेगी, वहाँ से आप टिकट लेंगे अपने, उन्हें बताएंगे कि मुझे ये टेस्ट करवाना है अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। वो आपको एक टिकट देंगे 25 रुपये वाली, 10 रुपये का फॉर्म देंगे, 35-40 रुपये वो लेते हैं आपसे। वो करवाने के बाद आपको कहेंगे वो आप ऊपर चले जाएं, आप ऊपर जाएंगे वहाँ पे आप अपना फॉर्म देंगे, वो आपको कहेंगे जी आप 2 बजे के बाद आ जाएं। ये है सेम डे का प्रोसेस, आप वो देखे चले जाएंगे, आप 2 बजे के बाद आएंगे, 2 बजे के बाद आप अपना वो अटेस्ट हुआ हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लेंगे मौका से कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब वो लोग जिनकी सिटीज़ में ये नहीं है और वो सेम डे में नहीं करवाना चाहते, वो किसी भी TCS के ऑफिस में जाएँ, उन्हें कहें कि मुझे ये फॉर्म है ये मोफा से अटेस्ट करवाना है। TCS वाले जो चीज़ होती है टिकट लगा देंगे आपकी, और आपका वो जो है मोफा के एड्रेस पे भेज देंगे, और रिटर्न आपके आपका होम का एड्रेस लगा देंगे। तो बट इसके अंदर 15-20 दिन लग जाते हैं, 2 हफ्ते अप्रॉक्सीमेट लग जाते हैं वो वापस आने में, अटेस्ट होके आने में। तो कौन सा तरीका अपनाना है ये आपने अपना खुद देखना कि आपको कौन सा बेहतर लगता है, आपने सेम डे में करवाना है या फिर आपने TCS करवाना है। बट ये काम करवा के लाजमी जाइएगा, ज़रूर जाइएगा, वरना वहाँ जाके आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फिर आपको अम्बेसी आना पड़ता है ये, और ये चाहिए होता है आपकी सिक्योरिटी जॉब के लिए, कि जो लोग जो स्टूडेंट भी UK जा रहे हैं तो उनको जो सिक्योरिटी की जॉब है वो उनको इजीली मिल जाती है इस बेस के ऊपर। और ये सिक्योरिटी जॉब के लिए बहुत अच्छी, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, इसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। और आप मुझे कमेंट सेक्शन के अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, और ईमेल पर भी मुझे ईमेल करके बोल सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।